इस वक्त रात के तकरीबन 10 बजे हैं और 10 नंबर आवास पर हूं जो तेजस्वी यादव का है। देखिए कि यहां पर टिकट लेने वालों का लाइन लगी है, भीड़ है और इन सर को टिकट मिला है, खुशी चेहरे पर है या नहीं पूछेंगे इनसे। रुकिए रुकिए रुकिए, अरे रुकिए, मालाओं से इन्हें पहले ही डांट दिया। रुकिए भैया रुकिए, कितनी खुशी है आज, माला तो आपने पहन ली लेकिन क्या लगता है जीत की माला है या भी ऊपर ऊपर से हंसी है बस? आपको जानकारी है, नॉलेज नहीं है, यह माला हर हालत में जीत की माला है। इस माला से राज और देश को सम्मान मिलेगा, आपको पता है नहीं, एक है जुमलेबाज डबल इंजन में, एक है जो जो है से बात बदलने वाला है, रातों रात भागने वाला है, ये 11 को जनता को धोखा देने वाला है, कौन? नीतीश कुमार। अब जुमलेबाज है, इस रोज मांग रहा था विशेष राज की दर्जा दो, एक में कह रहा कितना लोगे कितना लोगे, कैसा करोड़ कहते कहते हजार भी नहीं दे पाए। हेलो, कहा कि नो, इस बार आपका मुकाबला किससे है? मैदान में बहुत लोग हैं। कोई से मुकाबला नहीं है, जनता को डर लग रहा है एलजेपी से भी, जनता और दूसरी तरफ तेजस्वी हैं। खुशी से दिया उन्होंने कि नहीं, कि जाइए जीत पक्की है? ये आप पूछने वाले होते कौन है, जीत पक्की है, दिए खुशी से नाराजगी छोड़ दिए, खुशी से कोई अपने दल के आगे बढ़ाने के लिए अपने उम्मीदवार को खुशी से ना कहे? इतना नाराज गए, मुस्कुराइए सर। मुस्कुराई ना, आप अनर्गल आप प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न का कोई सिर पर नहीं है, प्रश्न ऐसा कीजिए आप नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी को बचाए। बताइए आपका मुकाबला किससे, मुकाबला बताइए। किसी से मुकाबला नहीं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उनके विरोध में हम बोल रहे हैं तो आप उनको छिपाने की कोशिश। मैं कोई मतलब नहीं, जुमलेबाज है और नीतीश कुमार झूठा, रातों रात भाग जाता है, महागठन में जीत कर संप्रदाय में चला जाता है, ऐसे लोग को देश और राज विश्वास करेगा जो जनता के धोखा दे, रात रात बदल जाता है, जो कोई औरत अपने पत्नी पति को छोड़ के रातें में बिछौने पर से भाग जाता है। किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतर रहे हैं इस बार? मुद्दा है कि राज के गरीब शोषित हर जाति के नौजवान युवक है, उनको रोजगार की मुहैया करने की आवश्यकता है, कल का खाना बैठाने की जरूरत है, लोगों को रोजगार बनाने के राज के विकास करना है, विकास के अलावा लोगों को सम्मान देना है, लोग जो जो अत्याचार जुल्म हो रहे हैं, आप नहीं देखा कि झूठा मलिक मरा, कह दिया कहीं तेजस्वी तेज प्रताप के साजिश मरा, ये कहीं आपको शर्म नहीं आते? आप लोग प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं कि ये झूठी फरियाद किसने करवाया, कि सब मिली भगत है इंडिया और जदयू का, जो तेजस्वी तेज प्रताप को बदनाम करने के साथ जिसके रची जा रही है, आज से रची जा रही साबित होता है कि आते आते किसी तरह के कानून में केस में फंसाना चाहते हैं, जिससे लालू यादव को फंसा कर जेल कैसे करने से बंद करके रखे हैं, वही काम ये अपने शुरू हो गया है कि जिससे तेजस्वी तेज प्रताप को हम कुछ ना कुछ झूठे मुकदमे फंसा कर उन्हें दंडित कराने उन्हें अपमानित कराने का साजिश रची गई है, यह तो साबित हो चुका है, पूरा बिहार नहीं देश जान चुका है कि उन्होंने मल्लिक के मृत्यु कुमार जो बयान कसा है, जो बयान दिया है, उससे साबित होता है कि राज के जनता जनता गरीब के पोषक को गरीब के नुआ को मदद करना चाहता है, इन लोग केस मुकदमा में फंसा कर उन्हें जेल के डालना चाहता है। तारीख को सीएम कौन बन रहा है, दिल क्या कह रहा है? दिल कह रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव 10 तारीख ने दावा ठोक दिया, 10 तारीख को नहीं, 10 का रिजल्ट होगा, 20 तक वो सीएम बनेगा, ये हम आपसे कहते हैं। तो बहुत उत्साह, और ये उत्साह दिखा रहा है क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि भीड़ किस तरीके से है, लोगों का जमावड़ा है, नारेबाजी हो रही है, सब अपना अपना दावा, कुछ अंदर हैं कुछ बाहर हैं, और यही बात लगातार है, माला इसी तरीके से है, जो जीतेगा उसके गले में, लेकिन असली माला 10 तारीख को जनता पहनाएगी, किसके गले में इंतजार कीजिए, अपडेट हम देंगे लगातार, जुड़े रहिए हेडलाइंस बिहार के साथ, क्योंकि अब ग्राउंड रिपोर्टिंग हम बताएंगे।